हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड को, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि है ई बैंकिंग क्या है, ठीक है, यानी कि ई बैंकिंग, ई कैश, इस तरीके के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में। तो आज का जो सेशन है ये बेस्ड होगा ई बैंकिंग पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे ई बैंकिंग क्या है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, बोथ ऑफ द टर्म्स आर सेम, ओके। सो लेट्स कवर, इट इज सिंपली द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, ठीक है। अगर बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज नोन एज ई बैंकिंग, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हैं अगर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, और आप उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑनलाइन अवेल कर पा रहे हो या कर ही रहे हो आज के टाइम में, जैसा कि आज का डिजिटलाइज टाइम है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ही सारी चीज़ों को अवेल, जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको अवेल कर रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक टर्म यूज करी थी, इट इज सिंपली यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो ई बैंकिंग, अ कस्टमर कैन एसेस हिज अकाउंट एंड कंडक्ट मैनी ट्रांजेक्शंस यूजिंग द कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, ठीक है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन को यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंटेंट लिख भी देता हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज मैनी नेम्स लाइक अ बैंकिंग, ई बैंकिंग, सॉरी, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। इट इज सिंपली द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, इनको ऑनलाइन अवेल करने के लिए ई बैंकिंग का यूज करते हैं। सो कस्टमर कैन इजली एसेस देयर अकाउंट एंड कंडक्ट many transactions using computer or mobile phone, जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा रनिंग में है मोबाइल फोन और ई बैंकिंग,
मोबाइल बैंकिंग, एम बैंकिंग के नाम से भी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, या एम कॉमर्स। ठीक है, तो ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड ऑल्सो नोन एज वर्चुअल ऑनलाइन बैंकिंग, इन विच कस्टमर कैन इजिली एसेस देयर अकाउंट एंड अवेल ऑनलाइन बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू बैंक फॉर ट्रांजेक्शंस एंड एज वेल एज द वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ द बैंक यू कैन इजिली असेस एंड यूज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप्स भी देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग, सो टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग में फर्स्ट है लेवल 1। दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ सर्विस दैट बैंक ऑफर थ्रू देयर वेबसाइट्स। ठीक है, लेवल ऑफ सर्विस, बेसिक लेवल ऑफ सर्विस दैट बैंक्स ऑफर थ्रू देयर वेबसाइट्स। ओके, सो दिस सर्विस द बैंक ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट इट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर। सम बैंक्स में रिसीव एंड रिप्लाई टू क्वेरीज थ्रू द ईमेल टू। ठीक है, ईमेल की फैसिलिटी भी कुछ बैंक्स प्रोवाइड करती हैं जहां ईमेल्स के थ्रू वो आपको इन्फॉर्म करती हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसीड करती हैं। सेकेंड लेवल है लेवल 2। इन दिस लेवल बैंक अलाउ देयर कस्टमर टू सबमिट इंस्ट्रक्शंस और एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है, जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म है बैंक आपसे ऑनलाइन फिल करवा रही है और उसके बाद वो आप एज अ कस्टमर उसको फिल करके अगेन सबमिट कर रहे हो बैंक की वेबसाइट पे। ठीक है, सो सबमिट इंस्ट्रक्शंस और एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज, चेक देयर अकाउंट बैलेंस। ठीक है, इजीली आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, चेक अकाउंट बैलेंस। बैंक डू नॉट परमिट देयर कस्टमर टू डू नॉट फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन ऑन देयर अकाउंट्स। लेकिन अगर हम लेवल 3rd की बात कर रहे हैं, इन द थर्ड लेवल बैंक अलाउ देयर कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फॉर फंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड ट्रांसफर, आप इजिली फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन, बिल पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट। कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो मोस्ट ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफर ई बैंकिंग सर्विसेज एज एन एडिशनल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैनी न्यू बैंक्स डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज प्राइमरली थ्रू द इंटरनेट और देयर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स। जो भी उनके चैनल्स हैं उनके थ्रू वो बैंक फंक्शंस को प्रोसीड कर रहे हैं, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस, गुड्स जो भी उनका प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बैंक के जो ऑनलाइन प्रोसीड हो सकते हैं, जैसे कि ई चेक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है। सो डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज प्राइमरली थ्रू द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। सम बैंक्स आर इंटरनेट ओनली बैंक्स विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो ऑनलाइन ही रन हो रही हैं, उनकी कोई फिजिकल ब्रांच कहीं पे भी सिचुएटेड या लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग। और ये सारे 3 टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग थे जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे मैंने बैंकिंग वेबसाइट्स के बारे में भी डिस्कशन किया। तो जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं।
एक तो होती है इंफॉर्मेशनल और सेकंड वन है ट्रांजैक्शनल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ऑफर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ओके, एंड ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स, दीज वेबसाइट्स अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस ऑन द बैंक वेबसाइट्स। सो दीज ट्रांजैक्शंस कैन रेंज फ्रॉम द सिंपल रिटेल अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी टू द लार्ज बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस फंड ट्रांसफर। ओके, तो इस तरीके की वेबसाइट्स को हम ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स बोलते हैं और फर्स्ट वन क्या है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे फिनिश हुआ, लेकिन इस टॉपिक को हम अभी फुली तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग रिमेन है, उसके बाद बिजनेस के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोसीड होती हैं। अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, ई बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो वो दोबारा से मुझसे डिस्कस कर ले। ठीक है, सिंपली आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि सर ये मेरा डाउट है, ये मेरी क्वेरी है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैंने यहीं पे फिनिश किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस करें। शॉर्ट टॉपिक है, इजी टॉपिक है और ऐसा कोई टफ नहीं है इसमें ऐसा कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सॉरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आज के टाइम में कर ही रहे हैं। जैसा कि आजकल डिजिटलाइज सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ, ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस रनिंग में हैं, तो आप बेटर तरीके से इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हो। थैंक यू।